हेलो ऑल एंड वेलकम बैक टू नीट नाउ। नीट नाउ में आज हम देखेंगे अनदर साइंटिस्ट फ्रॉम द एनसीईआरटी हु इज कैथरीन ईसॉ। कैथरीन ईसॉ के बारे में जानेंगे, उससे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी आने वाले वीडियोस हैं आप तक उनकी नोटिफिकेशन आती रहे। बहरहाल अभी हम बात करने जा रहे हैं कैथरीन ईसॉ के बारे में। सबसे पहले तो मैं बता दूँ आपको कि जितने भी साइंटिस्ट हम लोग पढ़ रहे हैं मोस्ट ऑफ देम वर जर्मन, मोस्ट ऑफ देम वर फ्रॉम इंग्लैंड या अलग अलग जगहों से, बट लेटर दे माइग्रेटेड टू US। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी कि उनकी हो सकता है बेसिक पढ़ाई कहीं और हो, बट उन्होंने जो अपनी PhD वगैरह है, डॉक्टरेट है, वो US में की हो। वो आपको अगर पॉलिटिकल रीजंस की वजह से बताया जाए तो जब वर्ल्ड वॉर हुआ तो जितने भी ब्रिलियंट माइंड्स थे दे वर ऑल टेकन टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं कैथरीन ईसॉ की। सेकेंड यूनिट की बिगनिंग से पहले इनका इंट्रोडक्शन दिया गया है बिकॉज शी वॉज वन ऑफ द लेडीज जिन्होंने इस सब्जेक्ट में हु वॉज अ पायनियर, यानी कि शी वॉज अ लीडिंग लेडी। उन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की, उन्होंने बहुत चीज़ें बताई जो कि शायद हमारी दुनिया को नहीं पता थी। बहरहाल पहली चीज़ जो हम देखेंगे बर्थ, कैथरीन ईसॉ का बर्थ हुआ था 1898 में यूक्रेन में। She was a Ukrainian and she was born in 1898. अब studies की अगर हम बात करें तो उनका जो शुरुआती आप कह सकते हैं कि basic studies जो थी वो थी agriculture से related, और ये उन्होंने किया था रशिया एंड जर्मनी में। यानी कि जो basic education थी उनकी, bachelor's या diplomas कह लीजिए, वो उनका agriculture में था रशिया एंड जर्मनी में। 1931 में उन्होंने अपनी डॉक्टरेट यानी कि शी डिड हर PhD इन USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 1931 में उन्होंने अपनी डॉक्टरेट हासिल की। अब पब्लिकेशंस की बात अगर हम करें, पब्लिकेशंस के उनकी बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक तरीके से ये कहा गया है एक बुक के लिए कि वो इंसाइक्लोपीडिया है। इंसाइक्लोपीडिया यानी कि उसमें प्लांट्स के बारे में सब कुछ प्रेजेंट है, एवरीथिंग इज प्रेजेंट। उससे पहले उन्होंने एक चीज़ बताई थी कि जो कर्ली टॉप वायरस होता है, ये जो कर्ली टॉप वायरस होता है ये आपकी लीव्स को कर्ल करना शुरू कर देता है, लीव्स ग्रो नहीं हो पाती, प्लांट की डेथ हो जाती है। सो दिस अकर्स, ये जो फैलने का तरीका है वो उसका फूड कंडक्टिंग टिश्यू फ्लोएम के थ्रू होता है। इससे पहले शायद लोग नहीं बता कर पा रहे होंगे कि क्या रीजन है, हाउ डज इट स्प्रेड, बट शी वॉज द वन हु पॉइंटेड आउट कि जो कर्ली टॉप वायरस है वो फूड कंडक्टिंग हमारे फ्लोएम की वजह से होता है। नेक्स्ट उनकी जो बुक आई 1954 में, दिस क्रिएटेड एक तरीके से एक नया निश दे दिया अंडरस्टैंडिंग को, डेवलपमेंट को, और जितनी भी चीज़ें कही जाएँ इस बुक के बारे में वो कम थी। इसको वेबस्टर कहा जाता है, वेबस्टर डिक्शनरी है इंग्लिश की जिसमें सारे के सारे वर्ड्स प्रेजेंट हैं। वेबस्टर को लेके काफ़ी सारे सॉन्ग्स भी बनते हैं क्योंकि वेबस्टर इज जिसे हम लोग अभी जानते हैं ऑक्सफर्ड डिक्शनरी, बट वेबस्टर इज द ओरिजिनल डिक्शनरी। तो अगर किसी चीज़ को ये कहा जाता है कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट की वेबस्टर है, यानी कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की सारी चीज़ें उस बुक में प्रेजेंट है। यहाँ पे जिस बुक की मैं बात करने जा रही हूँ 1954 में इनके द्वारा पब्लिश की गई थी, एंड दैट वन बुक वॉज एवरीथिंग बोटानिकल वर्ल्ड जो जान सकता है, जो मान सकता। तो ये बुक थी आपकी प्लांट एनाटॉमी। प्लांट एनाटॉमी को इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है प्लांट्स का, साथ ही साथ वेबस्टर्स कहा जाता है, सच इज द इंपॉर्टेंस। 1960 में उनकी दूसरी बुक आई थी एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स, यानी कि सीड प्लांट्स की एनाटॉमी के बारे में उनकी सेकेंड बुक आई थी, विच इज ऑल्सो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ऑल्सो वेरी वेरी एसेंशियल। कैथरीन ईसॉ के बारे में अगर हम आगे जाने तो इनको मेडल्स एंड अवार्ड्स जो मिले थे 1957 में, शी वॉज द सिक्स्थ वुमन टू बी इलेक्टेड इनटू नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस।
सिक्स्थ वुमन, यानी कि आप समझ सकते हैं कितना प्रेस्टीजियस है ये किसी का यहाँ पे इलेक्ट होना. तो शी गॉट इलेक्टेड इन टू दिस इन 1957. 1989 में इनको नेशनल मेडल ऑफ साइंस मिला था, जो कि उस टाइम के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश सीनियर ने इनको दिया था. 1997 में इनकी डेथ हो गई. 1997 में जब इनकी डेथ हुई तो शी वॉज 99 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि व्हेन शी टर्न 99 शी डाइड शॉर्टली आफ्टर. अब ये देखिए, हम लोग जो फर्स्ट यूनिट में देखते हैं अर्न्स्ट वायर डाइड व्हेन ही वाज 100 ईयर्स ओल्ड. सेकेंड यूनिट में हम देख रहे हैं कैथरीन ईसा, शी डाइड एट 99 ईयर्स ऑफ एज. 99 की एज में जब इनकी डेथ हुई तो पीटर रेविन, जो कि इस समय डायरेक्टर थे मिसौरी बोटानिकल गार्डन के मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी के, उन्होंने कहा कि इवन एट द एज ऑफ 99 ईयर्स शी वाज कंट्रीब्यूटिंग, शी वाज एक्चुअली पुटिंग इन एफर्ट्स कि किस तरीके से हम प्लांट्स के बारे में, प्लांट एनाटॉमी, प्लांट मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी को हम और बेहतर बना सकते हैं. सो दिस लेडी ऑल्सो डिजर्व्स अ वेरी ग्रेट प्लेस, क्योंकि इन्होंने हमारे लिए चीजें ढूंढी, हमारे लिए चीजें समझना आसान किया. सो दिस इज ऑल अबाउट योर साइंटिस्ट इन एनसीईआरटी से कैथरीन ईसा. आई होप आपको याद रहेगी, इस तरीके से पॉइंट्स में ब्रेक डाउन कर लेंगे, इट विल बिकम फर्दर इजी. फटाफट रीड कर लीजिए, पॉइंट वाइज नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आप लोगों को जब रिवाइज करना हो तो दिस होल स्ट्रक्चर बिकम्स वेरी इजी. कोई प्रॉब्लम आए कमेंट सेक्शन में लिखिए, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में कुछ सोशल मीडिया के लिंक्स हैं, आप वहाँ हमारे साथ इंटरेक्ट जरूर करिए, सो दैट वी कम टू नो आपको और किस तरीके के वीडियोस चाहिए. आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लिया होगा. अगर कोई प्रॉब्लम आए डू कॉन्टैक्ट अस. फटाफट रीड करना है, ठीक है. स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड एंड टेक केयर.